क्या नाम बेटा आपका? शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन की हकीकत आखिर क्या है? क्या सच में इस कानून का कोई वजूद भी है या ये महज एक किताबी कानून है? अभी इस प्राथमिक विद्यालय को ही आप देखिए, शिक्षा की असल प्रयोगशाला आपको यही दिखेगी। ये फतेहपुर का पढ़नपुर प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन ये विद्यालय कम कबाड़ ज्यादा है। यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं, बिगड़ते हैं। आप खुद सुनिए। नाम क्या स्कूल का? ए फॉर। ए फॉर क्या होता है बेटा? बी फॉर। बी फॉर ए बी सी डी आती है आपको? ए फॉर क्या होता है? बी फॉर सी फॉर कुत्ता। डी फॉर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अब आप यह भी जान लीजिए कि इस विद्यालय में कुल 5 अध्यापक हैं, जिनमें 2 शिक्षा मित्र, 2 सहायक अध्यापक और 1 हेडमास्टर है। लेकिन हालात आपकी सामने हैं। ये विद्यालय तो महज वानगी है, जिले में ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जिनका कमोबेश यही हाल है। योगी सरकार ने प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के हालात को दुरुस्त करने का दावा और वादा दोनों किया था, लेकिन यह हकीकत धरातल से कोसों दूर है। यूपी के इन सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। बावजूद इसके इन स्कूलों में कोई परिवर्तन न तब हुआ था और न ही अब होने के आसार दिख रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? अभी आए नहीं थे जी। कहाँ गई थी आप? बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे, संपर्क में गई आई मैं सुबह हूँ, मेरा रजिस्टर सिग्नेचर। प्रदेश के ज्यादातर स्कूलों में आज भी स्टूडेंट खुले में टॉयलेट करने को मजबूर हैं। प्रदेश के तकरीबन 68,630 ऐसे प्राइमरी हैं और हाई सेकेंडरी विद्यालय हैं जहां बच्चों को जमीन पर बिठाकर शिक्षा दी जाती है, क्योंकि यहां डेस्क और बेंच की व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों विद्यालयों में आज भी शौचालय की सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार की नजर में सब ठीक है। जब फतेहपुर के इस बढ़नपुर विद्यालय में हमने और हकीकत जानना चाहा, तो तथ्य निकलकर जो सामने आए वो और भी चौंकाने वाले थे। दरअसल खाने के नाम पर यहाँ तहरी और पढ़ाने के नाम पर केवल आपको 0 ही मिलेगा। मास्टर साहब 50,000 लेकर कुर्सी तोड़ रहे हैं और बच्चे मैदान में कुश्ती में व्यस्त हैं। हद तो तब हो गई जब मास्टर साहब हमें ही धौस दिखाने लगे कि इस विद्यालय में आप कैसे घुस आए। इस विद्यालय में तकरीबन 2.25 लाख सरकारी धन खर्च किया जाता है। ऐसी बदहाल व्यवस्था को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ कुछ 2 लाख वाला काम भी होता है। मास्टर साहब पैसे लेकर व्यस्त हैं, उन्हें बच्चों की पढ़ाई से आखिर क्या लेना देना। उनके बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ ही रहे हैं, ये गरीबों के बच्चे हैं, इन्हें ऐसे ही जीना है। सिस्टम को चिढ़ाता बढ़नपुर प्राथमिक विद्यालय आखिर कब सुधरेगा? अब इसका इंतजार इन बच्चों के साथ साथ गांव वालों को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।